गांव की जिज्ञासु लड़की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया पढ़ाई लिखाई करने के बजाय गांव के चारों ओर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती थी। वो हर दिन नए नए पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों और जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करती थी। गांव के बुजुर्ग लोग उसे अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। रिया उन कहानियों में खो जाती थी। एक दिन रिया जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज एक पेड़ से आ रही थी। रिया धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई और देखा कि एक छोटा सा पक्षी घोंसला बना रहा था। रिया ने उस पक्षी को बहुत ध्यान से देखा। रिया ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, दादाजी ये पक्षी कौन सा है? बुजुर्ग ने बताया, ये कोयल है। कोयल बहुत सुंदर गाती है। रिया ने हर दिन उस कोयल को देखा। उसने देखा कि कोयल कैसे अपने बच्चों को पालती है। रिया को कोयल बहुत प्यारी लग गई। रिया ने गांव के बच्चों को भी कोयल के बारे में बताया। सभी बच्चे कोयल को देखने के लिए जंगल में गए। यह एनिमेशन वीडियो मैंने केवल 10 मिनट में बनाया है और बिल्कुल फ्री में। और जैसा फोन आपके पास है ना, ऐसा ही फोन मेरे पास है। इस फोन से मैंने यह एनिमेशन वीडियो बनाया है। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके का एनिमेशन वीडियो बनाना, तो यह वीडियो देखने से पहले आपको एक बात दिमाग में डालनी है कि वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आप एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाने के बारे में सोचे भी ना, और आपके जितने भी अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करने। अगर आप चाहते हैं अपने अधूरे सपने पूरे करने और अपने सारे शौक पूरे करना, तो इस तरीके की एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाएं और YouTube पर अपलोड करें, और इस तरीके के चैनल मोनेटाइज भी होते हैं। अगर आपको कोई गलत फहमी है तो आप यह प्रूफ देख ले जो कि मैंने इस चैनल पर वीडियो डाली है, और यह वीडियो 100% मोनेटाइज है। और हाँ, मेरी किसी भी वीडियो पर आज तक 5000 लाइक्स नहीं आए। मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूँ लेकिन कोई लाइक नहीं करता है। वीडियो तो सब देख लेते हैं, सो प्लीज मेरी 5000 लाइक का टारगेट आप कम्प्लीट करवा दो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक स्टोरी। स्टोरी हम जेमिनी AI वेबसाइट से लेने वाले हैं। यहाँ पर मैंने वॉइस में टाइपिंग किया है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जो पढ़ने लिखने को छोड़कर गांव में घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती थी। जैसे मैंने ये बोला तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टोरी हमारे पास लिखी हुई आ चुकी है। आपको भी इसी तरीके से स्टोरी जनरेट करा लेनी है जेमिनी AI वेबसाइट से। अब आपको इस स्टोरी के लिए प्रॉम्प्ट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ पर बोलना है ये वाली स्टोरी मुझे इंग्लिश में लिख कर दें। बस आपको इतना बोलना है, और इसमें जो करैक्टर हैं उनके नेम भी लिख कर दें। बस आपको ये इतना सेंटेंस बोलना है जितना कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और ये जो है आपकी स्टोरी इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। बस आपको यहाँ पर इंग्लिश स्टोरी की ज़रूरत है। अगर आप हिंदी में स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारे पास हिंदी में स्टोरी लिखी हुई आ चुकी है, लेकिन हम करना चाहते हैं इमेजेस जनरेट, जो कि हम एक साथ इमेजेस जनरेट करेंगे और बिल्कुल कंसिस्टेंट करैक्टर रहेंगे, यानी करैक्टर जो है बदला हुआ नहीं रहेगा, और एक साथ ही आप एक ही बारी में सभी इमेजेस जनरेट कर लोगे अपनी फुल स्टोरी की। सो यहाँ पर आपको इंग्लिश वाली स्टोरी को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपको इसी एप्लीकेशन से वॉइस जनरेट करानी है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हम जेमिनी AI से बिल्कुल फ्री में वॉइस जनरेट करने वाले हैं, और आप किस तरीके से वॉइस जनरेट करोगे जेमिनी AI में, सो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल फ़ोन में आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन जो है अलाउ कर देनी है। इसके बाद आपको सेटिंग पर आना है, ऑडियो सोर्स पर आएंगे, और यहाँ पर आपको इंटरनल ऑडियो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है।
बस आपको ये सिलेक्ट कर देना है और इसे कर लेना है। गांव की जिज्ञासु लड़की। ऑन करने के एक बार की आपको बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। आप इसका ऐप उसका नाम था रिया। रिया पढ़ाई लिखाई करने के बजाय गांव के चारों ओर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती थी। यहां पर आपको क्लिक करना है। वो हर दिन नए नए पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों और जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करती थी। गांव के बुजुर्ग लोग उसे अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। रिया उन कहानियों में खो जाती थी। एक दिन रिया जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। लाइफ टाइम वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी। कर सकते हो इस तरीके से। और अब आप इस वॉइस को वीडियो में कैसे यूज़ करोगे, सो ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। एडिटिंग में आप इस साउंड का कैसे यूज़ करोगे अपनी वीडियो में। नेक्स्ट हमें चाहिए अपनी स्टोरी वीडियो के लिए इमेजेस। सो यहाँ पर इमेजेस के लिए आपको आर्टफ्लो एआई वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको स्टोरी स्टूडियो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू स्टोरी पर क्लिक करना है। आई हैव ए स्टोरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम चिल्ड्रन स्टोरी सिलेक्ट कर देंगे और जो हमने जेमिनी एआई से स्क्रिप्ट जनरेट की है इंग्लिश में, उस वाली स्टोरी को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने करेक्टर का नेम लिखना है। आपकी स्टोरी में जो करेक्टर का नेम है वो क्या है, यहाँ पर आपको टाइप करना है और करेक्टर जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। सो इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग का जो ये पार्ट है, इस तरीके से इसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और जो हमारा स्टोरी में करेक्टर का नेम है, यहाँ पर हम उसे टाइप कर देंगे। यहाँ पर मेरे करेक्टर का नेम रिया है, सो यहाँ पर मैं रिया करेक्टर का नेम टाइप कर देती हूँ। आपको भी इसी तरीके से करेक्टर का नेम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर देना है। देन आपको यहाँ पर क्रिएट दिस स्टोरी पर क्लिक करना है। इसके बाद साइज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है स्टोरी बुक। देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके स्टोरी के करेक्टर जो है जनरेट हो जाएंगे। कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे आपकी फुल स्टोरी की इमेजेस यहां पर जनरेट हो चुकी है एक ही बार में, और आपको यहां पर बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा है। और यहां से आप बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अगर आप यहां पर आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो तो आपका यहां पर एक भी क्रेडिट कट नहीं होएगा। आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको यहां से अपनी स्टोरी के लिए इमेजेस जनरेट कर लेनी है। सो इस तरीके से हमारी पूरी स्टोरी की इमेजेस यहां पर जनरेट हो चुकी है। आप यहां पर वन बाय वन करके देख लें और यहां पर आप एक बार में 20 इमेजेस या 22 इमेजेस जनरेट कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में। सो यहां पर अगर आप चाहते हो इन इमेजेस को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रीन को थोड़ा सा प्रेस करना है, देन डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है और आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैं प्रेस करती हूँ डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। सो इस तरीके से मैं वन बाय वन करके सभी इमेजेस को डाउनलोड कर लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना ही प्रोसेस फॉलो करना है, सिर्फ आपको इमेजेस जनरेट करनी है और उन्हें अपनी फ़ोन की गैलरी में इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं वन बाय वन करके सभी इमेजेस को डाउनलोड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। अगर आप चाहते हो कोई और टाइप की स्टोरी वीडियो बनाना, तो आप यहाँ पर स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको टाइटल टाइप करना है और आपको यहाँ पर स्टोरी जनरेट होकर मिल जाएगी। सो यहाँ पर जैसे मैंने ये टाइटल लिख दिया, स्टोरी ही मैंने पेस्ट कर दी है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट करेक्टर आएगा यहाँ पर और आप चाहे तो डिफरेंट स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3D कार्टून भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद स्टोरी करेक्टर्स यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्टोरी की इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 इमेजेस यहाँ पर जनरेट हुई है। ये वेबसाइट आपको 100 क्रेडिट देती है, लेकिन आप अगर इस तरीके से इमेजेस जनरेट करते हो सिर्फ और यहाँ से आप बैक आ जाते हो तो आपका यहाँ पर एक भी क्रेडिट कट नहीं होता है। नेक्स्ट हम करेंगे इन इमेजेस को अब वीडियो में कन्वर्ट। सो इसके लिए आपको वीडियो AI वेबसाइट पर आ जाना है और इसे इस तरीके से प्लीज़ यूज़ ए कंप्यूटर टू लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। सो इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर तो नहीं है, इसे डैशबोर्ड साइट में ओपन कर लेते हैं। देन आपको इसे साइनअप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने इसे साइनअप कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो AI वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके का है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा क्रिएट वीडियो। आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट वीडियो के ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गैलरी पर और यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम शो हो रही है। सो इसके लिए हमें कैनवा एप्लीकेशन पर आ जाना है और यूट्यूब का थंबनेल का साइज हमने सिलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से आपको इमेज सिलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पर क्रॉप करके इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इस वाली इमेज को मैं जो है कट कर देती हूँ। गैलरी पर आएंगे और यहाँ से मैं नेक्स्ट इमेज सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको सभी इमेजेस को 1 by 1 करके इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्योंकि हमने आर्टफ्लो AI वेबसाइट से इमेज जनरेट की है, जिससे कि वो वेबसाइट जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर रही है वे वाली इमेजेस आर्टफ्लो AI वेबसाइट से जो जनरेट की हैं। सो इसके लिए आपको इन सबको कैनवा पर ले आना है और 1 by 1 करके इस तरीके से इन्हें डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर हम YouTube का साइज जो है थंबनेल बनाने का वही साइज मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आपकी जो सभी इमेजेस हैं उन्हें 1 by 1 करके आपको क्रॉप करके और इस तरीके से फुल कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक वीडियो AI वेबसाइट पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इमेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो एक्सेप्ट हो रही है, ये वेबसाइट एक्सेप्ट कर रही है। देन आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट की जगह पर टाइप करना है, आप अपने करेक्टर से जो भी करवाना चाहते हो, वॉकिंग, डांसिंग, थिंकिंग। सो यहाँ पर मैं वॉकिंग लिख देती हूँ, आपको भी ऐसी टाइप कर देना है। देन आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी वीडियो जनरेट होकर मिल जाती है अदर वेबसाइट के मुकाबले में। सो यहाँ पर हम इस तरीके से इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे और यहाँ पर हम इसे प्ले करके देख लेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी हमारी वीडियो यहाँ पर जनरेट हुई है। देन डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से आपको 1 by 1 करके सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर मैं वॉकिंग एंड टॉकिंग सेंटेंस लिख देती हूँ और यहाँ पर हमारा करेक्टर वॉकिंग भी करेगा और खुद से बातें भी करेगा, यानी टॉकिंग भी करेगा। सो यहाँ पर आपको जिस भी टाइप से अपने करेक्टर को मूव ऑन कराना है आप यहाँ पर करा सकते हो, टाइप कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको सभी इमेजेस को इस तरीके से वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है और उन्हें डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की वीडियोस मैंने जनरेट कर ली हैं इस वेबसाइट से। यहाँ से आप कई सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है।
सभी इमेजेस हैं और इन सबको मैंने वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको मैं प्ले करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़की है जो कि वॉकिंग कर रही है। और नेक्स्ट वीडियो भी हम देखेंगे, वो भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर जनरेट हुई है। मुझे तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगी है इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इन सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है और उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। अब आपको इन सभी को जोड़ना है, इसके लिए आपको किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए आप कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ कर लें। नेक्स्ट हम करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आपको सबसे पहले सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है और यहां से आपको अपने वीपीएन को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ऑन करना है, क्योंकि कैपकट एप्लीकेशन इंडिया में बैन है। सो इसका यूज़ हम विदाउट वीपीएन के नहीं कर सकते। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सभी वीडियोस क्लिप सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी अभी वीडियो एआई वेबसाइट से बनाई है। सो यहाँ पर मैं वन बाय वन करके सभी वीडियोस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से जितनी भी वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं, यहाँ पर 4 सेकंड की वीडियोस यहाँ पर जनरेट हुई हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं इन्हें सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से एडजस्ट आपको कर लेना है इन्हें। सो सबसे पहले हम ऑडियो ऐड करेंगे। ऑडियो ऐड करने के लिए साउंड पर आएंगे। यहाँ पर लिखा है एक्सट्रैक्ट। सो आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपकी ऑडियो यहाँ पर वीडियो जो होगी आपकी शो हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको जैसे साउंड पर आएंगे, या तो आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, या आपकी अगर ऑडियो है तो आप यहाँ से ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको वो वाली वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसकी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली है और इसका साउंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आप प्लस पर क्लिक करके यूज़ कर लें और यहाँ से आपको इस तरीके से प्ले करके देख लेना है और आपको इन वीडियोस क्लिप को ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इस तरीके से स्क्रॉल कर लेती हूँ और यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं। गांव की जिज्ञासु लड़की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया पढ़ाई लिखाई करने के बजाय गांव के चारों ओर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती थी। सो यहाँ पर हर दिन नए नए पेड़ पौधों कीड़ों मकोड़ों एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा करेक्टर जो है इसमें वीडियो में एक्टिंग उसका नाम था रिया। और ऑडियो में रिया पढ़ाई लिखाई करने के बजाय गांव के चारों ओर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती थी। यहाँ पर आपको एडिटिंग वो हर दिन नए नए पेड़ पौधों कीड़ों मकोड़ों और जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करती थी। ऑडियो के हिसाब से गांव के बुजुर्ग लोग उसे अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। यहाँ पर रिया उन कहानियों में खो जाती थी। एडजस्ट करने के बाद रिया जंगल में घूम रही थी। वीडियो सभी और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसमें आपको साउंड इफेक्ट्स का यूज करना होगा। सो यहाँ पर हम साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करेंगे। आपको जिस भी टाइप का साउंड इफ़ेक्ट चाहिए आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कि मैं बर्ड्स का साउंड इफ़ेक्ट चाहती हूँ, सो यहाँ पर मैं बर्ड्स टाइप करूँगी और यहाँ पर आपको बर्ड्स का साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप प्ले करके सुनकर देख सकते हो। देन आपको यूज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे ये साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड हो चुका है। अब आपको इस साउंड इफ़ेक्ट्स की वैल्यूम को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो साउंड होता है
उसकी जो वैल्यूम है आपको कम रखनी होती है। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं साउंड इफ़ेक्ट्स की वैल्यूम को कम कर देती हूँ और इसे प्ले करके सुनकर देख लेती हूँ। इसी तरीके से मैं अपनी फुल वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेती हूँ। आपको भी इसी तरीके से अपनी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करना है। आप जिस भी टाइप का साउंड इफ़ेक्ट चाहते हो आपको सिर्फ सर्च करना है और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। सो यहाँ पर मैं 1 by 1 करके सभी क्लिप्स को देख लूँगी और जहाँ जहाँ पर मुझे साउंड इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ सभी साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़। यहाँ पर मैं वॉकिंग साउंड इफ़ेक्ट्स चाहती हूँ सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगी वॉकिंग, क्योंकि चलने की आवाज़ जो है हमारी वीडियो में उसे मैं ऐड करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर हम वॉकिंग टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्ले करके देख लेना है। सो यहाँ पर मैं ये वाला साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर देती हूँ और इसकी वैल्यूम आप चाहे तो कम कर सकते हो या आप हाई ही रहने दे। सो यहाँ पर मैं वैल्यूम को थोड़ा सा कम कर लूँगी। देन आपको स्प्लिट करना है और जहाँ पर ये लड़की चल रही है वहाँ पर ये साउंड इफ़ेक्ट्स डाल देना है वॉकिंग वाला। इस तरीके से हम फुल वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने सभी साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देख सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी वीडियो इफ़ेक्ट्स का यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट वीडियो इफ़ेक्ट्स हैं जिससे आपकी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और अट्रैक्टिव बनेगी।
सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस वीडियो इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर आपको अपनी फुल वीडियो में इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेना है। आप चाहे तो ट्रांजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ये जो एंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसे डिलीट कर देना है और ये कैपकट का वाटरमार्क आपका नहीं रहेगा वीडियो के लास्ट में। देन आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो आप इस तरीके से एनिमेशन स्टोरी वीडियो बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में, जैसे कि मैंने बनाई है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गांव की जिज्ञासु लड़की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया पढ़ाई लिखाई करने के बजाय गांव के चारों ओर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती थी। वो हर दिन नए नए पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों और जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करती थी। गांव के बुजुर्ग लोग उसे अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। रिया उन कहानियों में खो जाती थी। एक दिन रिया जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ एक पेड़ से आ रही थी। रिया धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई और देखा कि एक छोटा सा पक्षी घोंसला बना रहा था। रिया ने उस पक्षी को बहुत ध्यान से देखा। रिया ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, दादाजी ये पक्षी कौन सा है? बुजुर्ग ने बताया, ये कोयल है। कोयल बहुत सुंदर गाती है। रिया ने हर दिन उस कोयल को देखा। उसने देखा कि कोयल कैसे अपने बच्चों को पालती है। रिया को कोयल बहुत प्यारी लग गई। रिया ने गांव के बच्चों को भी कोयल के बारे में बताया। सभी बच्चे कोयल को देखने के लिए जंगल में गए।